आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि आज पूरा विश्व इस कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, तो उसके लिए हमारे आयुष मंत्रालय ने एक काढ़ा का सेवन करने के लिए बताया है। तो आज हम वही काढ़ा बनाना सीखेंगे। और प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस काढ़ा का सेवन आप जरूर करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है इस काढ़ा का सेवन करने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ इस काढ़ा का सेवन करें। कोविड 19 से लड़ने के लिए हमें ये काढ़ा का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे से लेके बूढ़े तक को इस काढ़ा का सेवन करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखिए काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या लिया है। हाफ लेमन लिया है, 8 से 10 तुलसी के पत्ते लिए हैं, अदरक लिया है मैंने थोड़ा सा और इसे कूट ली हूँ, और मैंने यहाँ पे लिया है दालचीनी ली हूँ। अगर आपके पास लंबे वाली दालचीनी है तो वो आप यूज़ करिए। ये हमारे पास छोटे वाली दालचीनी थी तो मैं वो डाल रही हूँ। और मैंने 5 से 6 काली मिर्च ली है, और मैंने थोड़ा सा सौंफ लिया है 1/2 टीस्पून, और ये मैंने हल्दी लिया है। तो अगर आपके पास हल्दी कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा है, बाहर निकलना सेफ्टी भी नहीं, इसलिए मैं ये हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। और मैंने लौंग भी लिया है 8 से 10, और यहाँ पे मैंने काली मिर्च को क्रश कर लिया है, कूट लेना है इसे। और यहाँ पे मैंने 2 ग्लास वाटर ली हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ग्लास वाटर का यूज़ की थी, तो यहाँ पे मैंने 3 ग्लास वाटर मैंने पेन में डाला है। मैंने 3 ग्लास पानी लिया था, लेकिन इसे बॉयल करके 2 ग्लास के करीबन कर लेना है पानी को। और इसमें फिर मैंने ऐड किया दालचीनी, सौंफ, लौंग और तुलसी के पत्ता को धो लेना है। धोने के बाद इसे तोड़ के डालना है ताकि इसके सारे रस इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैंने काली मिर्च डाला, और फिर मैं हल्दी को इस प्रकार चाकू से क्रश करते हुए डाली हूँ, लेकिन आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं, तो आप इसे कूट के ही डालें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने इसमें जितना चीज़ मिलाया है सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको हल्का भी सर्दी खांसी बुखार लगे तो आप इस काढ़ा का सेवन ज़रूर करें। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, और लाइक करना ना भूलो तो जल्दी से लाइक कर दो, और नीचे जाके कुछ कमेंट कीजिए कि आपको और भी किस चीज़ की वीडियो देखना है। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो मैं काढ़ा बता रही हूँ ये काढ़ा भी सबको पीने का बहुत ज़रूरी है। सबको इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, तो इस काढ़ा का सेवन करें। देखिए यहाँ पे हमारा खोल गया है काढ़ा, और उसके बाद हमें गैस का फ्लेम कर देना है स्लो, और 10 मिनट तक छोड़ देना है। तो 10 मिनट बाद देखिए हमारा काढ़ा का जो ऊपर वाला आउटर लाइन हो उतना मेरा काढ़ा था, और घट के इतना हो गया है। तो अब गैस का फ्लेम कर देना है हमें ऑफ, और उसके बाद हमें एक ग्लास में छान लेना है। तो अब हम काढ़ा को छान लेते हैं। और मैंने यहाँ पे 5 लोगों के लिए काढ़ा बनाया, और आप इसे में अगर आपको ऐसे नहीं पिया जा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दीजिए, लेकिन शुगर हाँ बिल्कुल ना ऐड करें, क्योंकि इसमें शुगर नहीं डाला जाता है, वो हमारे मतलब काढ़ा को फ़ायदा ना करके नुकसान ही पहुँचा देगा, इसलिए शुगर ना ऐड करें। और आप इसमें गुड़ अगर नहीं पिया जा रहा है तो आप गुड़ थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आप ऐसे ही पीजिए, काढ़ा ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा। तो घर में बनाइए और सबको पिलाइए। इसके बाद इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा नींबू डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, ताकि थोड़ा सा पीने में अच्छा लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा काढ़ा अजीब लगता है पीने में। तो आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी बताइए, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।